इस वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लोगों से बात मनवाने के कई तरीके बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, उनसे वो करवा सकते हो जो आप चाहते हो। मेथड नंबर 1 है कंसेशन। एक दफा ऑथर एक एयरपोर्ट पर खड़े इंतजार कर रहे थे। वहां पर एक छोटा लड़का आता है और ऑथर से कहता है कि आप मुझसे एक बहुत बड़े इवेंट की टिकट खरीद लें, वो इवेंट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। लेकिन ऑथर उस इवेंट की टिकट खरीदने से मना कर देते हैं। उसके बाद में वो लड़का कहता है कि चले आपने टिकट तो नहीं खरीदी, अब ये छोटी सी चॉकलेट खरीद लें। तो ऑथर उसकी ये बात मानकर वो चॉकलेट खरीद लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उनको तो चॉकलेट पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने चॉकलेट क्यों खरीदी। इसके पीछे दोस्तों रीजन है कंसेशन। जब भी हम किसी बड़ी रिक्वेस्ट के बाद छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बात मानेगा। अगर आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं और उससे 1,00,000 रुपया उधार मांग रहे हैं और वो आपको नहीं दे रहा, लेकिन जब आप उससे 2,000 रुपया उधार मांगोगे 1,00,000 की बजाय, तो वो आपको बड़ी आसानी से दे देगा, क्योंकि 1,00,000 और 2,000 के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों के कंपैरिजन में 2,000 बहुत नीचे आता है। इस बात को अपने जहन के अंदर किसी खाने में डाल दो कि जब भी आपने किसी से बात मनवानी है, तो पहले बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करनी है, फिर उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, तो वो आपकी बात मान जाएगा। एक और एग्जांपल से समझिएगा। आप अपने घर से 1,000 रुपए की पैंट लेने के लिए निकले हैं। जब आप शॉप पर पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको 10,000 की, 20,000 की, 7 की, 8,000 की, 9,000 की, इस तरह महंगी महंगी पैंट्स दिखाई जाती हैं। और बाद में एंड पर आपको 3,000 रुपए वाली पैंट दिखाई जाती है, और दुकानदार आपसे कहता है ये पैंट सस्ती भी है, बहुत अच्छी भी है। अब आप लाजमी तौर पर अपना बजट 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 पर ले जाओगे और वो पैंट खरीद लोगे, लेकिन शर्त है कि आपकी जेब में पैसे हों। बहुत दफा ये देखा गया है कि अगर ग्राहक को पहले बहुत महंगी महंगी चीजें दिखाई जाएं और उसके बाद उसको छोटी चीज यानी कि कम महंगी चीज दिखाई जाए, तो वो ग्राहक को चीज ले लेता है। इसी तरह अगर आप किसी से बात बनवाना चाहती हो, तो पहले बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर दें, उसके बाद छोटी सी रिक्वेस्ट करें, तो चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपकी छोटी रिक्वेस्ट सामने वाला इंसान उसी वक्त मान ही लेगा। दोस्तों मेथड नंबर 2 है सोशल प्रूफ। कुछ अरसा पहले एक स्टडी की गई थी। एक इंसान को कहा गया था कि वो बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाए और बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर मसलसल देखता रहे। जब वो इंसान देख रहा था, तो वहां पर आने वाले 67% लोगों ने रुककर देखा कि 6th फ्लोर पर क्या हो रहा है। उसके बाद स्टडी को थोड़ा चेंज किया गया। एक इंसान की बजाय अब 15 इंसानों को कहा गया कि वो जाएं और जाकर 6th फ्लोर को देखते रहें। तो वहां पर आने वाले 85% लोग रुक गए और उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि 6th फ्लोर पर क्या हो रहा है। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को दरमियान में ही रोकना पड़ा था, बंद करना पड़ा था, क्योंकि रोड पर इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे कि ट्रैफिक जैम हो गया था। लेकिन दोस्तों इंसान ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे वजह है कि इंसान भी बंदरों की तरह जो देखता है वो करता है। शायद आपको ये सुनकर अजीब लग रहा हो, लेकिन इंसान जो देखते हैं वही करते हैं। दोस्तों एक रिसर्च की गई थी और उस रिसर्च में बताया गया था कि जब भी सुसाइड की यानी खुदकशी की न्यूज टीवी चैनल्स पर आती है, तो और भी ज्यादा लोग खुदकशी करना शुरू कर देते हैं, सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने कई दफा टीवी पर सुसाइड की न्यूज देखी होगी, जहां पर बताया जा रहा होगा कि किसी बच्चे ने पढ़ाई के बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। इस तरह की न्यूज सुनने के बाद सुसाइड करने के रेट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बच्चे और भी ज्यादा सुसाइड खुदकशियां करनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक 58 अनयूजुअल सुसाइड केसेस मिले थे, जिनमें खुदकशी करने वालों के पास कोई भी बड़ी वजह नहीं थी खुदकशी करने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने खुदकशी की थी। इसके पीछे वजह यह थी कि कुछ दिन पहले टीवी पर सुसाइड की न्यूज चल रही थी। उस एक न्यूज की वजह से एक महीने के अंदर अंदर 58 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसी तरह जिस तरह हम नेगेटिव चीजों को कॉपी करते हैं, इसी तरह हम पॉजिटिव चीजों को भी कॉपी करते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे बच्चों को लिया जिनको कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता था, वो कुत्तों को हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे। रिसर्चर्स ने उन बच्चों को रोजाना 20 मिनट के लिए दूसरे बच्चों की वीडियोस दिखाना शुरू कर दी, जिन वीडियोस के अंदर वो कुत्तों के साथ खेल रहे हुआ करते थे। 4 दिन के अंदर अंदर उनमें से 67% बच्चों का डर खत्म हो गया और वो भी कुत्तों के साथ खेलना शुरू हो गए। दोस्तों ये बहुत गहरा सच है कि जो दूसरे लोग करते हैं हम भी वैसा करते हैं, बेशक वो सही कर रहे हों या गलत कर रहे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हम कॉपी करते हैं। आपने
आपने देखा ही होगा, जब सारे लोग हंसते हैं तब हम भी हंसना शुरू हो जाते हैं। हमारे हंसने के पीछे वजह ये नहीं होती कि कोई बहुत मजाकिया बात की गई है, बल्कि वजह ये होती है बस सारे हंस रहे हैं, हम भी हंसना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो उसको समझाओ कि जो बात आप मनवा रहे हो वो काम तो सारे ही कर रहे हैं, सभी लोग वो काम कर रहे हैं जो आप उनको करने के लिए कह रहे हो, तो वो इंसान बहुत जल्दी आपकी बात मानकर वो काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, मेथड नंबर 3 है रेसिप्रोसिटी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जर्मन सिपाही अपने दुश्मन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया, क्योंकि वो अपने दुश्मन को मारना चाहता था, अपने दुश्मन से बहुत नफरत करता था। वो उसका पीछा करते करते नो मैंस लैंड तक पहुंच गया। वहां पर उसने अपने दुश्मन को देखा, उसका दुश्मन वहां खाना खा रहा था। वो अपने दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसके दुश्मन ने उस पर वार नहीं किया, बल्कि उसे कहा कि आ जाओ खाना खा लो तुम भी। इस चीज को देखकर वो जर्मन सिपाही बहुत दंग रह गया और उसको मारने के बजाय वो वहीं पर उसके साथ बैठकर खाना खाने लग गया, और बाद में दोनों अपनी अपनी राह पर चले गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल दोस्तों, हम लोगों के अंदर एक अजीब सी चीज होती है, जब भी कोई इंसान हमारे साथ अच्छा करता है तो हमारा भी दिल उसके साथ वापस अच्छा करने को और भी ज्यादा अच्छा करने को करता है, और जब भी कोई इंसान हमारे साथ बुरा करता है तो हमारा दिल उसके साथ और भी ज्यादा बुरा करने को करता है। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है और हम उसके साथ बुरा करते हैं तो हमारा जमीर हमारे पर लानते भेजता है और हमें अंदर ही अंदर शर्म महसूस होती है और जरा भी अच्छा नहीं लगता। इस चीज को यूज करके आप लोगों से अपनी बातें मनवा सकते हो। एमवे कंपनी ने इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल बहुत खुलकर और बहुत अच्छी तरह से किया था। वो जब भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जाते थे, वो लोगों से ये नहीं कहते थे कि हमारी प्रोडक्ट्स को खरीद लो, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि वो लोगों को एक छोटी सी सैंपल प्रोडक्ट फ्री में दे देते थे और उनसे कहते थे अगर आपको पसंद आई तो अगली बार हमसे ले लेना, अगर ना आई तो रहने देना। जिससे जब एमवे वाले अगली बार कस्टमर्स के पास आते थे तो वो कस्टमर हंसी खुशी उनसे प्रोडक्ट्स खरीद लिया करते थे, क्योंकि फ्री सैंपल वाली प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर्स को लगता था कि अगर कि वो अब भी एमवे वालों से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो ये बड़ी बुरी बात है, ये सही नहीं होगा। उनका जमीर उन पर लानतान करता था और वो प्रोडक्ट्स खरीद ही लिया करते थे। इस एक सिंपल चीज को एमवे कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से एमवे बहुत ज्यादा कामयाब हुई थी। दोस्तों, वाइन के बिजनेस में ये रिसर्च किया गया है कि अगर आप पहली बार किसी कस्टमर को फ्री वाइन दे दोगे तो चांसेस है कि वो अगली बार आपके पास आएगा और आपको $10 एक्स्ट्रा की टिप भी देगा, और उसके साथ साथ वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा, किसी दूसरे दुकानदार के पास नहीं बल्कि आप ही के पास आएगा। हम इंसानों के साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम रिटर्न में अच्छा करते हैं और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज हमको इंसान बनाती है। अगर आप ईद पर या किसी और त्योहार पर किसी अपने जानने वाले को कोई गिफ्ट दोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका वो जानने वाला भी आपको लाजमी रिटर्न में कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। बचपन में शायद आपने ईद कार्ड्स अपने दोस्तों को दिए हो तो आपको पता ही होगा जिस दोस्त का आपको ईद कार्ड मिलता था उस दोस्त को आप लाजमी ईद कार्ड दिया करते थे, और जिस दोस्त को आप ईद कार्ड दिया करते थे वो भी रिटर्न में आपको लाजमी ईद कार्ड दिया करता था। इसीलिए जब भी आपने किसी से अपनी बात मनवानी हो तो पहले उसके साथ कुछ अच्छा करें। जब आप उसके साथ कुछ अच्छा करेंगे रिटर्न में वो भी आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहेगा, और जब आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे उससे तो वो फिर उस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसके बाद मेथड नंबर 4 है अथॉरिटी। दोस्तों, एक दफा नर्सों को हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसे गलत काम करने के लिए कहा गया था जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जिन कामों के बारे उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो काम कभी नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी उन नर्सिस ने वो काम किए। दरअसल दोस्तों, नर्सिस को वो काम करने के लिए उनसे सीनियर डॉक्टर ने कहा था, जिसकी वजह से नर्सिस को लगा कि शायद वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि वो सीनियर हैं, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, इसलिए नर्सिस ने वो काम वैसे ही कर दिया। क्योंकि दोस्तों, ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसलिए जो सीनियर डॉक्टर था वो भी एक्चुअल में असल डॉक्टर नहीं था बल्कि फेक डॉक्टर था, तब भी उन नर्सिस ने उस डॉक्टर के कहने पर वो काम कर दिए जो उन्होंने नहीं करने थे। दोस्तों, ये चीज हम सबके अंदर होती है, हम अपने से ज्यादा अथॉरिटी वाले इंसान की सभी बातें मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि
कि ये आदमी ये इंसान जो भी कहेगा वो ठीक ही कहेगा, लेकिन कई बार वो गलत कहता है। और दोस्तों हमको सिखाया भी यही गया है कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, टीचर्स की बातें माननी चाहिए, वालिदैन की, गवर्नमेंट की बातें माननी चाहिए। और तो और दोस्तों किसी खास तरह के कपड़े भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस के कपड़े, फौज के कपड़े, डॉक्टर्स के कपड़े, किसी लॉयर के कपड़े, इन कपड़ों को देख के हम उस इंसान को अथॉरिटी दे देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एड के अंदर डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, इसी तरह बाकी अथॉरिटी वाले लोगों को लेती हैं ताकि उनकी सेल्स ज्यादा हो सके। अगर आपने अपनी बात मनवानी है तो इसके लिए या तो आपको सच में अथॉरिटी बनना पड़ेगा या फिर किसी अथॉरिटी की एग्जांपल देना होगी कि जो कुछ आप कह रहे हो वो क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे बात नहीं मानते तो आप उनको किसी अथॉरिटी की एग्जांपल दें, जैसे उन्हें कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन की बातें माननी चाहिए। इस तरह इससे बच्चे काफी हद तक आपकी बातें मानने लगेंगे। इसी तरह आप इस चीज को बड़े स्केल पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इसी तरह का सेम वीडियो मैंने एक पहले भी बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें या फिर ये आपके सामने शो हो रहा है यहां से देख लें। अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सारा कुछ एकदम में ही कर दें। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ।